तो स्वागत है तुम्हारा एक और न्यू वीडियो में। और ये वाला हमारा एपिसोड नंबर 3 होने वाला है सीजन 25 का। और इससे पहले यार मैंने टोटल 2 एपिसोड डाल चुका हूँ और दोनों एपिसोड में यार आपने देखे होंगे कि सारे के सारे गेम प्ले एकदम अचानक भयानक भयंकर वाले। अगर तुम ये वाली वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार मतलब जोन सर्वाइव करने की हद पार हो चुकी है। मतलब कि यार लास्ट जोन में इतने इतने सारे बंदे बच रहे हैं, मतलब क्या ही बोले यार। अभी यार हमारा रैंक मैच स्टार्ट हुआ है तो सारे के सारे बंदे पुशिंग कर रहे हैं, जिसके कारण आखिर जोन में बहुत बंदे बच रहे हैं। और अगर तुम भी रैंक पुश कर रहे हो तो भैया तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज यार तुम्हें बहुत सारी टिप्स मिल जाएगी कि लास्ट जोन में किस तरीके से फाइट करते हैं, कैसे जोन सर्वाइव करते हैं। हर वीडियो की तरह ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा मजेदार। तो भैया अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला गेम प्ले। और इसमें अब तुम देखो ध्यान से भाई, 11 बंदे बचे हैं, ठीक है, और 5 किल कर दिए मैंने। अब देखो किल कर दिए इसलिए मैं फुल कैंपिंग कर रहा हूं, बिकॉज अभी अगर मैं फाइट करता हूं और अगर मारा जाता हूं तो मेरा फुल प्लस तो नहीं लगने वाला। यहां पर सिर्फ तुम्हारी किस्मत ही काम आने वाली है। अगर तुम्हारी किस्मत होगी तो तुम्हारे पास जोन बनेगा, नहीं तो फिर तुम गंदे वाले पिटने वाले। यहाँ पर यार अगर दूर जोन बनता है ना तो भाई मैं गंदा वाला मरने वाला हूँ, बिकॉज यार मेरे पास ग्लूवल भी पर्याप्त नहीं है। जितनी तेजी से यार लोग इस गेमर अपनी गर्लफ्रेंड का फोन तोड़ता है ना, उससे ज्यादा तेजी से भाई यहाँ पर जोन श्रिंक करता है। तो तुम अगर सोच रहे हो कि आखिर जोन में जोन टू जोन खेलू तो भाई भूल। यहाँ पर यार जोन मेरे एकदम करीब है इसलिए मैं हल्का सा जोन के बाहर बैठा हूँ। और सामने तुमने अभी पीले पीले लूटबॉक्स देखा भाई, जब मैं आ रहा था जब ये लूटबॉक्स नहीं था, मतलब इधर भी फाइट हो चुकी है। तो इधर से रोटेशन मारना तो एकदम ही बेकार बात हो। ये मंजीत नाम का बंदा इतना AC-80 से धोए जा रहा है, मैं क्या ही बताऊं। और अब जितने भी बंदे मैप में बचे हैं ना भाई, सबके सब अच्छे बंदे हैं, सबको भाई प्लस चाहिए, सब बुइया के लिए मरे जा रहे हैं। ऐसा भी है कि मैं भी बुइया के लिए मरे जा रहा हूं, बट क्या ही करूं यार, प्लस तो करना ही पड़ेगा। अब यहां पर यार मेरे किल है तो मुझे किल का तो टेंशन नहीं है। तो यहां पर मैं सोच रहा हूं कि टॉप 5 अगर आ जाए तो ही मैं थोड़ा भाई फाइट करने के लिए आगे बढ़ूं। इतने मैं ऊपर चेक करने जाता हूं कि सामने ऊपर की तरफ भाई बंदा साइलेंसर से किसी को धोए जा रहा है। अब मैं एकदम से रुक जाता हूं और देखता हूं, पहली बात तो बंदा हैक तो है। अब यार सामने जो ऊपर घर उसमें बंदा है, आपको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज यार मेरे कान में ईयरफोन फंसे हुए। और मेरी मानो तो तुम भी जो ईयरफोन का इस्तेमाल करो, बिकॉज यार आखिर में इतने बंदे बचते हैं, कहीं से भी टपक जाते हैं पता नहीं चलता, तो ईयरफोन में साउंड क्लियर सुनाई देता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे बोला था कि यहाँ पर 11 बंदे बचे और अब देखो सिर्फ 8 बंदे बचे। मतलब कि बंदे जो मर रहे इतना कम मर रहे, सबके सब अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं मेरी। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि हल्का सा जोन के साथ जाऊं, बिकॉज ज्यादा दूर तो जोन नहीं बना हुआ है। लेट्स सी यार क्या होता है। अब यहाँ पर यार एक बंदा पहले तो मुझे दिखता है, भैया मैं इसका हेड लेने की सोचता हूँ, बिकॉज यार मेरे पास नहीं है साइलेंसर। यार बॉडी बॉडी मार के मैं मेरी लोकेशन किसी को बताना नहीं चाहता, तो यार थोड़ा सतर्क रह के खेलना पड़ेगा। यहाँ पर यार ये वाला बंदा पता नहीं इसने मेरे को देखा या नहीं, बट मुझे तो यहाँ तक लग रहा है नहीं देखा है और वो ड्रॉप की तरफ जा रहा है। तो अब मैं ट्राई करूंगा उसको हेड लेने का, बिकॉज जैसे ही ड्रॉप लूटेगा मैं फटाक से इसका हेड ले लूंगा। अब यहाँ पर तो हमें समझ लो फ्री फोकट के किल मिल रहा है, बिकॉज हमारे किल तो थे, बस हमें सर्वाइव करना था। अब यहाँ पर अच्छी बात यह कि 4 बंदे बचे और 4 बंदे इकट्ठे फाइट कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं आराम से अब जोन पर जा सकता हूँ। यहाँ पर यार हर बार किस्मत आपके साथ नहीं देगी कि आप सोच रहे हो हर बार आपके पास ही जोन बने। अभी 2 जोन तो मेरे पास बन चुके थे, बट ये वाला जोन देख रहे हो दूर बना हुआ है। बट तुम्हारे भाई के पास इतना तगड़ा वाला कवर है कि किसी ने सोची ना होगी, बंदे ने सच में नहीं सोची होगी कि मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ। बट देखते यार क्या होगा, मैं भुया ले पाऊंगा या नहीं, वो तो आखिर में आपको पता चलने वाला है। अब आप लोगों के यार यहाँ से मैक्सिमम से 16-17 मिनट के गेम जाते हैं, बट मेरे कभी कभी 18-18.5 मिनट तक के गेम चले जाते हैं। मतलब कि जो लास्ट वाला श्रृंग रहता है वो भी भाई यहाँ पर खत्म होने लगता है। अब यहाँ पर फाइनली मुझे बंदा खुले में दिखता है और अच्छा खासा डैमेज तो करने लगता हूँ, बट होता नहीं है। और एक बंदा और कम हो चुका है, अब बचे 2 बंदे और लास्ट श्रिंक बस 5 सेकंड में आने वाला है। एक बंदा तो सफेद ग्लूवल के आसपास होगा और एक बंदा तो ये वाले सेंटा क्लॉस। अब ये बंदा एकदम से और कई खतरनाक वाला डैमेज करता है। अब मैं यहाँ पर सीधा वन टैप लेने की ट्राई करता हूँ, बट तुम्हें पता है कि आज तक मेरे वन टैप पड़े। हर बार की तरह हम फाइनली वुकोंग चाचा को यूज करते हैं और इसको तो हम इजिली मार देते हैं, बट यार अब आता है जोन और जोन बहुत तेजी से जाता है। अब सामने वाले बंदे के पास कहीं ना एडवांटेज है, बिकॉज उसके पास HP भी फुल है और मारने का कॉन्फिडेंस तो कहते अलग लेवल होगा, बिकॉज यार इतनी देर तक सर्वाइव किया है तो भाई कॉन्फिडेंस तो बनता ही है। यहाँ पर वैसे डैमेज करता हूँ, बट गलती ये हो जाती है कि मैं फंस जाता हूँ वॉल के अंदर और ये बंदा एक बुलेट से मार के फाइनली इस गेम को बुइया ले। यार ऐसा तो है नहीं कि मैं हर गेम बुइया लेता हूँ और हर गेम बुइया वाली ही वीडियो डालूं। अब आप देख रहे हो कि कितना खतरनाक इस जोन में फाइट। यार मैंने इसमें मेरा आखिर तक का योगदान दिया लेकिन फिर भी हम इस गेम को बुइया नहीं निकल पाए। बट आप देख रहे हो कि हमारा फिर भी यहाँ पर 30+ लग चुका है, जो कि फुल प्लस।
से। अब बात करते इस वाले गेम प्ले की, तो इसमें यार मेरे 2 किलो रुके थे और इसमें भी लॉबी यार हर बार की तरह अच्छी आई है। सोलो में फायदा ये रहता है कि आपकी पोजीशन अच्छी निकल जाती है बिकॉज यहाँ पर बंदे बहुत जल्दी जल्दी मरने लगते हैं। ये जो 2 किल्स है मैंने अभी करे बिकॉज मैं यार ये गेम पूरा सर्वाइव करने का ट्राई किया था, शुरू से ही मैंने पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बना ली थी। और आप भी लॉबी को अच्छे से चेक करो, हर एक बंदे को चेक करो उसका मूवमेंट, प्लस वो कैसी क्या गन लेकर आया है, उसके पास कौन सी गन मैक्स है या नहीं, इससे तुम्हें अंदाजा मिल जाएगा और तुम गेम के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि सर्वाइव करना है या रश खेलना है। लिटरली बताऊं तो मुझे ऊपर की तरफ ही बंदे लग रहे हैं बिकॉज यार इधर से फायरिंग भी आई थी। यार अब हमें कम से कम 2 किल तो चाहिए बिकॉज यार पूरा बैटल स्कोर लेने के लिए। और जैसे मैंने कहा इधर बहुत खतरनाक वाली फाइट चल रही है, तो अब देखते हैं यार बंदा कहां पर होता है और देखते हैं हम कितने किल ले पाते हैं। अगर तुमने यहां तक वीडियो देख ली तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब एकदम से ये वाला बंदा पता नहीं किधर से आता, बट इसकी मैंने वेस्ट ऑलमोस्ट फाड़ दी है। अब मुझे पता है उधर 2 से 3 बंदे, तो भाई मैं एकदम बैक ले लिया हूं और मुझे फाइट बिल्कुल भी नहीं लेना, अभी थोड़ा सर्वाइव करूंगा। अब यार उधर फाइट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है बिकॉज उधर पे यार 2 से 3 बंदे हैं और अगर एक ने डैमेज किया तो तीसरा बंदा थर्ड पार्टी से इजी किल ले। यार हम थोड़ा हल्का सा सर्वाइव करेंगे बिकॉज यार जोन भी हमारे तरफ ही है, तो ये लोग तो जोन से आने वाले हैं तो हम इनको इजीली किल कर सकते हैं। तो अभी टोटल 4 बंदे और बचे हैं और 40 सेकंड में मेरे हिसाब से यहाँ पर जोन आ जाएगा। और ऊपर जैसे मैंने कहा बहुत बंदे देख सकते हो, फाइट अभी भी चल रहा है और एक बंदे ने फाइनली मार दिया है। बट एकदम से ना ऊपर एक बंदा आ जाता है जो कि उसको SVD से मार देता है। अब इसके पास यार साइलेंसर होता है, देख सकते हो इसने अब भी एक SVD से मारा। अब जैसे मेरे को साइलेंसर का पता चलता है मैं ऊपर देखता हूं तो भाई बंदे के सामने रेड डॉट आ जाता है। यार इसे मारने के बाद मेरे टोटल 3 किल तो हो जाएंगे, 7 में यार एक ही बंदा बचेगा। और यार अगर तुम चाहते हो कि मैं फुल मैप की गेम प्ले भी डालूं ताकि तुम शुरू से लेकर आखिर तक सर्वाइव से लेकर बैटल स्कोर बढ़ाने तक सीख पाओ, तो यार प्लीज वीडियो में कमेंट में बताना कि आपको चाहिए ऐसी वीडियो। अब तुम्हें सोलो से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए तो भाई तुम इजीली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं यार कमेंट रीड करता हूं। इससे भी यार हल्का सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरे वीडियो को कम से कम वॉच तो करते हो। कह रहे यार बात करते हैं यहाँ पर, तो इस बंदे को मैंने डैमेज किया और ये बाहर नहीं निकल रहा है। अब मुझे पता है कि जोन आने वाला, तो मैं बिल्कुल आराम से भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हूं। अब एक बंदा और है तो उसको भी हल्का सा देख रहा था। अब ये बंदा यार पता नहीं क्या कर रहा था, एकदम से खुले में आया और उसको बहुत डैमेज किया, फिर हल्का सा कवर में जाके फिनिश। लास्ट जोन में यार कवर फायर भी करते रहो, कवर फायर करने से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, साथ में यार बंदा भी थोड़ा घबराएगा कि भाई कितना अच्छा। और वुडपेकर एक ऐसी गन है जिसमें एक्यूरेसी भाई कूट कूट के भरी हुई है, आप इजीली कवर फायर में यूज करो। अब मुझे लिटरली बताऊं तो एक बंदा बच रहा था और मुझे हमेशा की तरह लग रहा था कि ऊपर भी होगा बिकॉज बहुत सारे बंदे एडवांटेज के लिए ऊपर रहते हैं। बट यार बहुत देर चेक करने के बाद में यहाँ पर यार वो बंदा मुझे दिखता नहीं है और मुझे लगता है शायद ये ब्रिज के आसपास होगा। बट यार एकदम से यार नीचे बंदा मुझे दिख जाता है और भाई ये पता नहीं किधर से तो आ रहा था और इसने थोड़ा सा डैमेज किया मेरे को। और मैं देख रहा था यार कवर के बाहर कब निकलेगा और ये सीधा सीधा रश कर रहा था और इसे सीधा हेड ले लिया। भाई रश ऐसा कर रहा है जैसे इसने बहुत सारा डैमेज किया होगा। और तो ये हमारा गेम भैया हो चुका है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फिर से बोलूंगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, भाई ये दोनों काम ध्यान से कर देना यार। इस गेम में भी हमारा 30+ लगा है हमेशा की तरह। मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय।